नमस्कार बिहारी प्रतिभा, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आज 7 दिन से सीटेड बीटेड क्वालिफाइड अभ्यर्थी गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नोटिफिकेशन को लेकर इस पर इनका क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सीटेड बीटेड क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो है, लगभग 4 साल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, 4 साल से कई बार धरना किए हैं, लेकिन फिर एक बार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारी सहानुभूति उन छात्रों के साथ है जो सीटेड बीटेक का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, और कहीं न कहीं उनके साथ थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अगर सरकार ने कोई नियम बनाई है तो उस नियम का भी पालन बच्चों को करना चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कई हज़ार नियुक्तियाँ हुई हैं उस ग्रुप में जो बच्चे अभी बच गए हैं, तो सरकार से भी हमारी मांग है कि अगर उस ग्रुप में से जो उस वक्त पास किए थे एग्ज़ाम, उस ग्रुप में से कुछ लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, तो जो बचे खुचे लोग हैं उनकी भी नियुक्तियां होनी चाहिए, ताकि उसमें उन बच्चों में असंतोष न बढ़े। दूसरी बात, जब जहां तक सरकार की बात है, सरकार का जो मानना है कि उस वक्त जो एग्ज़ाम हुआ था, चूँकि बहुत पुराना मामला है और कई बार छात्रों ने शिक्षा मंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात को रखा है, और कई बार बच्चों ने आंदोलन भी किया है, मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन सरकार का जो नियम है उसका भी थोड़ा सा पालन बच्चों को करना चाहिए। हम सरकार से निश्चित तौर पे बच्चों के हित में फैसला लेने के लिए हम शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बाकी बच्चों की तरह भी इनको नियुक्ति पत्र मिले, और शीघ्र मिले, ताकि इनका भविष्य भी उज्जवल हो सके। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो सरकार का नियम है उसको बच्चों को पालन करना चाहिए, तो क्या 4 साल तक पालन करना चाहिए कि नियम कुछ दिन के लिए ही रहता है, 4 साल से ही अभ्यर्थियों को भटकाया जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ महीनों पूर्व यहाँ NDA की सरकार थी, निश्चित तौर पर सरकार में बदलाव हुई है, नया नियम क्या आया है इस बारे में मैं पता करूँगा। अगर मुझे शिक्षा मंत्री से इस विषय में मिलकर कुछ बात जाननी है, और कल शिक्षा मंत्री से मेरा बात हुआ था, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं लाखों बहालियां होनी है, महीनों टाइम लग सकते हैं, तो ये महीना कब पार होगा? सर, आपको नहीं लग रहा है 4 साल काफ़ी लंबा समय होता है? नहीं, बिल्कुल 4 साल काफ़ी लंबा समय है। जो बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया है उनको 4 साल बहुत बड़ा एक मायने रखता है, कि 4 साल से लोग बेरोजगार हैं, सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, घर द्वार छोड़ के परेशानियाँ तो हैं उनके साथ। लेकिन मैं इस विषय में बिहार के जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा और इस विषय पर विस्तार से जानना चाहूँगा कि आखिर इन बच्चों का क्या दोष है, इन बच्चों को नियुक्तियाँ क्यों नहीं की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर उनसे जो जवाब मुझे नहीं मिला, तो मैं इस विषय को लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मैं मिलूँगा, और बच्चों के साथ नाइंसाफी न हो मैं आग्रह करूँगा सरकार से और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि बच्चों के हितों की रक्षा की जाए, ताकि वो देश के भविष्य हैं। अगर वो उनके मन में असंतोष पड़ता है तो कहीं ना कहीं राजहित में नहीं है, और आने वाला समय जो है नौजवानों के हाथ में है। हम नौजवानों को किसी तरह का कोई, नौजवानों के साथ किसी तरह का कोई नाइंसाफी न हो, इसका मैं पूरा ख्याल करूँ। जैसे कि तेजस्वी यादव कहते थे पहले कि अगर हमारी सरकार बनती है, तो इसके पहले जब गर्दनी बाग में वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके कई विधायक वगैरह से लेके, प्रवक्ता वगैरह से लेके कंटिन्यू जाते थे, एक दिन में 4 से 5 विधायक जाते थे वहाँ पे, और बोलते थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक दिन में नोटिफिकेशन देंगे। और जब महागठबंधन की सरकार बनी NDA का टूट के, तो फिर उनका वादा कहाँ चला गया? वो मतलब शिक्षा मंत्री का बात करें या तेजस्वी यादव का बात करें, तो वो गोल गोल घुमाने का, अभ्यर्थी कहते हैं कि ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, ये लोग सीधे तौर पे बात नहीं करते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, सवाल तेजस्वी यादव का और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है जी।
उस वक्त तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे, आज तेजस्वी यादव इस सरकार में हैं। तो उस वक्त जो बातें मीडिया में आई या पब्लिक मीटिंग में उन्होंने जो बातें की और अभी जो बात कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है। चुनाव के वक्त में बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा सर। अच्छा सर, आप जिस तरीके से अभी आप बताए कि चुनाव के समय बहुत सारी वादे और घोषणाएं की जाती है, तो क्या ये लोग मतलब नेता लोग जो होते हैं उन लोगों का बात का कोई वैल्यू नहीं होता है कि वादा वो लोग कर देते हैं जीतने के पहले और जब जीत जाते हैं तो अपना मतलब जो है गोल गोल घुमाने का जनता को काम करते हैं? नहीं, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि चुनाव में जो वादे किए गए और आज सरकार में माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि भाई जो आपने वादा किया है रोजगार से संबंधित और जो बच्चे सफल हुए हैं उस प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो उनको भी कहीं ना कहीं आपसे आशा है कि भाई आपके कहे अनुसार आपको समर्थन दिया लोगों ने और उनकी भी जो आकांक्षाएं हैं उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तेजस्वी यादव सरकार में हैं और चुनाव में जो वादा किए उसको नहीं पूरा करना है या करना है, ये आग्रह मैं करना चाहता हूँ कि बच्चों की जो आकांक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनको शीघ्र कानूनी पेचीदगियाँ जो है उसको दूर करते हुए उनको निश्चित तौर पर नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए, मैं ये कहा जी। दूसरी बात है कि मैं चूँकि महागठबंधन में हूँ लेकिन हमारी सहभागिता बिहार सरकार में नहीं है, तो हम तो आग्रह ही कर सकते हैं। आप समर्थन तो कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ बच्चों की। कितना समर्थन करेंगे आप? बच्चों की मांग है, बच्चों की मांग जो उचित फोरम पे उस मांग को हम उठाएंगे और हमारी सहानुभूति उन बच्चों के साथ है जिनको नियुक्तियां अभी जिनकी नियुक्तियां अभी नहीं हो पाई है, लेकिन अब इस वजह से कहेंगे कि अब बच्चे तोड़फोड़ करने लगे या किसी भी तरह का हिंसक आंदोलन करने लगे, तो लोग तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं। बिल्कुल, शांतिपूर्ण आंदोलन ठीक है करें और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ, हम उनकी आवाज़ बनेंगे और निश्चित तौर पर सरकार से हम आग्रह करेंगे, आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे इस मुद्दे पर, मैंने आपको पहले बताया। और अभ्यर्थी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी एक ही बात रट लिए हैं तोता के तरह, जब भी कोई मीडिया वाला जाता है चाहे कोई भी जाता है तो वो एक ही बात बोलते हैं, लाखों बहालियां होनी है महीनों टाइम लग सकती है, यही बात सबसे बोलते हैं, तो ये अभ्यर्थी जो है ये बात सुन सुन के मतलब परेशान हो गए हैं। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी लंबा अरसा हो गया और इतने दिनों में बहुत सारी समस्याएँ बच्चों के बीच में हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं और 4 साल से कहीं ना कोई इस कारण से रोज़गार पा रहे हैं या कहीं जाने आने में भी उनको सुविधा है कि कब सरकार उनकी बात को सुन ले और जब मुझे यहाँ रहना पड़े उपस्थित रहना पड़े, तो निश्चित तौर पे परेशानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब सरकार से मैंने कहा कि मैं सरकार बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से मिलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलूँगा, इस मुद्दे को मैं वहाँ पर उठाऊँगा और सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात मैं करूंगा उनसे। अब देखिए, देर हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है देर हुई है, गलतियां हुई हैं। जितने भी अभ्यर्थी है सब सीटेट का बात करें, बीटेट का बात करें या स्टेट का बात करें, मतलब जो भी अभ्यर्थी है सब परेशानी है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, मौत हो रही है प्रत्येक दिन, मतलब लगभग कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो किसी की मौत हो जा रही है। नहीं बिल्कुल, मैं तो कहा कि परेशानियाँ तो हैं काफ़ी बच्चों के साथ, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अब उसी में हम लोग को रास्ता निकालना है, सरकार से बात करनी है और सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और बच्चों की जो समस्या है उसको दूर करें। सर आप कितना समर्थन करेंगे और आपके पार्टी कितना समर्थन करने वाली है खासकर? मैं 100% समर्थन करूँगा, बच्चों के साथ मेरी सहानुभूति है, वे देश का भविष्य और बिहार का भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं दूंगा, लेकिन हमारी जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन में रह के काम करूंगा और निश्चित तौर पर उनकी मांग को दबाने का नहीं, मैं उनकी मांग को उठाने का और उस मांग के समर्थन में मैं सरकार से बात करूंगा। गर्दन ही बक जाएंगे सर समर्थन करने? बिल्कुल, मैं उनसे मिलूंगा, बच्चों से मिलूंगा, बच्चों का भविष्य खराब ना हो इसका मैं पूरी ध्यान रखूंगा, इसमें सरकार से भी कहूंगा कि भाई बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो इसका भी ध्यान सरकार भी रखे। तो 2024 इलेक्शन का ये लोग चुनावी मुद्दा तो नहीं बना रहे सातवां चरण? देखिए आप, ये देखिए, ये अभ्यर्थियों का कहना हो सकता है अपने जगह पे सही हो, लेकिन
पॉलिटिकल पार्टी और क्या सोचती है उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, चूंकि अब सवाल है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का अलग अलग सोच है, चुनाव में कैसे जाएं, किस मुद्दे को उठाएं, किस मुद्दे को माने, किस मुद्दे को ना माने, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग सोच है, उसको हम कैसे बता सकते हैं ये मुद्दा बनेगा चुनाव में 2024 में कि नहीं बनेगा। हमारा ये है कि बिहार के सर आपको क्या लग रहा है कि 2022 में सातवां चरण स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? देखिए जब तक मैं बात ना कर लूँ कोई सक्षम व्यक्ति से तो कैसे इस बात को हम कह सकते हैं कि 2022 में होगा कि नहीं, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूँगा राज्य सरकार से कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उस विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार सरकार करे, आदरणीय शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार सहानुभूति पूर्वक करें ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो और उनको न्याय मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, जिनसे हम बात किए और ये सातवां चरण का जो विज्ञप्ति को लेकर अभ्यर्थी गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 7 दिन से, ये पूरा समर्थन करेंगे, शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, नीतीश कुमार जी से, और इनके पार्टी पूरा समर्थन करेंगी और समर्थन में वहाँ पर गर्दनीबाग में जाएंगे भी। अब देखने वाली बात ये होती है कि इनका बात कितना सत्य होता है कि ये भी बाकी नेताओं की तरह गोल गोल घुमाएंगे तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा। अगर हमारे वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।